नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। चंद्रपुरा गांव में विकास कार्य करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ब्लॉक दुवाड़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा चंद्रपुरा गांव के प्रधान प्रतिनिधि विशाल कुमार ने बताया कि सरकार के अनुसार सड़क नाली सोलर लाइट व आदि का विकास कार्य किए गए हैं। जो रास्ता विवादित था उसे गाँव की जनता के सहयोग से उस कार्य को किया गया। हमारी ग्राम सभा में पंचायत भवन सबसे सुंदर बनाया गया। चंद्रपुरा गाँव को जिले की नंबर वन बनाऊंगा। मेरा यही लक्ष्य है कि अपने गाँव को प्रदेश का नंबर वन बना दूं। यही हमारा प्रयास है। जनता को कोई समस्या न हो इसके लिए हर कोशिश करता हूं एवं जनता की समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी। मैं विशाल पासवान, ग्राम सभा चंद्रपुरा प्रधान प्रतिनिधि। हम आपसे जानना चाहते हैं ग्राम सभा की आबादी कितनी है। ग्राम सभा की आबादी लमसम 26। हम जानना चाहते हैं आपके कार्यकाल की अवधि तब खत्म होने वाली है, दिसंबर में आप लोग कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आपने इतने सालों में अपने कार्यकाल के दौरान कितने प्रतिशत सड़क नाली काम हुआ है? हमारे यहाँ सड़क नाली का लमसम 70-80% काम हो चुका है जी। क्या आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन बने हैं? पंचायत भवन बना नहीं है, पंचायत भवन का स्वीकृति मिल गया है, अभी नहीं रखने वाले हैं। सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय बन रहा है जी। आपके ग्राम सभा में पुराने सूची कितनी थी आवासीय? हमारे जब से हम चुनाव जीत के आए हैं 2011 से हमारी ग्राम सभा की सूची जीरो है। जीरो। नई सूची कितने गई है? नई सूची 270 लोगों की गई है जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में सोलर लाइट हो गई, कुर्सी लग गई, इसके अलावा तमाम काम सब हुए हैं? हाँ, कुर्सी भी लगा है, सोलर लाइट भी लगा है, स्ट्रीट लाइट भी लगा है, तमाम कार्य हो चुके हैं जी। हम आपसे जानना चाहते हैं विकास कामों में जब ग्राम प्रधान कराए जाते हैं तो तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, नालियां बनवाने में, सड़क बनाने में, कई तरह का आपके हुआ है? बहुत हुआ है, जितना भी बाधा उत्पन्न हुआ है वो काम उतना ही अच्छा हुआ है जी। किस तरह के दिक्कतों को आप झेलना चाहें? तो मतलब बहुत आती है, लेकिन हम थाने थोड़े कभी गए नहीं है, अपने में समझौता कराए हैं, बहुत सारे समझौता कराए हैं। विशेष तौर पर जितना नहीं हो पाता है वो थाने पर जाता है, वहाँ भी हम पहुँच के सुलह करा लेते हैं और अपना कार्य अच्छा निकालते हैं, कार्य हमारा बहुत ही अच्छा जी। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम पंचायत में किस तरह के अपने द्वारा आपके अलावा भी कोई ऐसे काम हैं जो शेष रह गए, जो काम ना हो पाया हो? ग्राम सभा छोटे होने के कारण थोड़ा बजट हमारे यहाँ बहुत कम आता है, इसके लिए कार्य जितना भी होना चाहिए उतना हम करा चुके हैं। निधि से भी बाहर हम मंत्री जी के द्वारा भी दो कार्य कराए हैं, दो RCC हुए हैं 300-300 मीटर का जी। जी हम आपसे भी जानना चाहते हैं कुछ ऐसे हैं जो कार्योजना में दिए हो ना काम हो पाया, आप चाहते हो काम कराना? कार्योजना में बहुत से कार्य दिए हैं, लेकिन बजट होने ना होने के कारण, ग्राम सभा में पैसा कम आने के कारण ये सब काम नहीं हो पाया। जी क्या क्या था? जैसे तमाम रैन बसेरा था, सामुदायिक हॉस्पिटल था, ये सब अभी रुके हुए हैं जी। तो आपकी कार्यकाल तो अवधि तो खत्म हो जाएगी, तो क्या इसके बाद जो चुनाव है अब जनता आपको ऊपर पुनः विश्वास करती है, तो क्या वो काम पूरा होने की उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो गांव की बहुत हैं, हम भी लगे रहेंगे, हटने के बाद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे ग्राम सभा में ये सब चीज़ उपलब्ध हो जाए। इसलिए कि एक व्यक्ति के पेट में दर्द होता है तो हम लोगों को 12 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि हमारे यहाँ होना बहुत अत्यंत जरूरी है। हम मंत्री जी से भी कई बार इस बात को अपना रखे हैं, लेकिन मंत्री जी कहे हैं कि विश्वास रखिए जब तक सरकार है हो सकता है आपके यहाँ बन जाए, 16 बेडों का स्वीकृति भी मिला हुआ है, जब कार्य लग जाए। जी जी हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपको कोरोना काल में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोरोना काल में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, दोनों स्कूल पर हम कोरोनाइट कराए हुए थे, दोनों स्कूल पर 150-200 बच्चे को हम 14-15 दिन रखे भी थे। गांव सभा में मास्क, तेल, नमक, सैनिटाइजर सब हम अपने स्तर से वितरण किए थे, कोई सरकारी फंड सबको 1 भी रुपया नहीं मिला था। जी जी ये भी हम जानना चाहते हैं जिस गांव प्रधान गांव में घूम कर लोगों को समझाना बुझाना तमाम तरह के उन्होंने काम किया, क्या आप भी सकते? हाँ, तमाम हम लोग हम थे, हमारी आंगनबाड़ी थी, हमारा सफाई कर्मी था, मास्टर थे,
तमाम लोग थे, हम मशीन भी उपलब्ध कराए थे, हम सभा में प्रति घर जाना, प्रति लोगों से मिलना, जागरूक करना, सब पूरी अपना ईमानदारी और विश्वास से किया। कोई पॉजिटिव पाया था? कोई हमारे ग्राम सभा में पॉजिटिव नहीं। जी जी, आपके द्वारा कुछ है, अभी तो कोरोना चल रहा है, क्या आपके द्वारा कुछ संदेश है लोगों को? बहुत अच्छा संदेश है, ऐसा कोई अभी पॉजिटिव नहीं आया है, हमारा गांव खुशहाल है, कोरोना काल में सब सही है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर पुनः आपको जनता बहुमत से अगर चुनती है, अगर विश्वास करती है, तो क्या उनके लिए जिस रवि खड़े उस समय उसी तरह खड़े रहेंगे? हम चाहे चुनाव में आए न आए, हम अपने गाँव के प्रति हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।